हेलो दोस्तों, मैं विकास कोहली आज आपके लिए लेके आया हूँ प्री मैच एनालिसिस वीडियो। प्री मैच एनालिसिस वीडियो जो आज का मैच है उसके ऊपर लेके आया हूँ। आज जो आज का मैच है वो दोनों टीमों के बराबरी का मैच है, क्योंकि जो दोनों टीमों का अभी तक हेड ऑन हेड है वो एकदम बराबर है। मुंबई इंडियंस भी 8 मैच जीती है, सनराइजर्स हैदराबाद भी 8 रन जीती है। तो क्या डेविड वार्नर की सेना टर पाएगी रोहित शर्मा की सेना तबाह, या रोहित शर्मा का पलड़ा भारी रहेगा? वैसे मुझे तो लगता है ये मैच एकदम टक्कर का रहेगा, और ये मैच हो रहा है चेन्नई में। चेन्नई में खास बात ये है, लोग 5 विकेट हॉल मुंबई के खिलाफ आ रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी टीम का बॉलर नहीं था जिन्होंने मुंबई के खिलाफ 5 विकेट लिए हो। अब लगातार 2 मैचेस मुंबई ने खेले और दोनों के बाद जो अपोजिशन टीम है, फर्स्ट बार बेंगलोर में हर्षल पटेल ने 5 विकेट हॉल लिया, सेकेंड बार कोलकाता नाइट राइडर्स के एंडर रसल ने 5 विकेट हॉल लिया, और एंडर रसल ने सिर्फ 2 ओवर में 5 विकेट हॉल और हासिल किया। और सबसे खास बात चेन्नई की ये रही है, अभी तक जैसे ही जो लास्ट मैचेस होते हैं, खासकर आपके ये 5-6 ओवर हो रहे हैं मैचेस में, लास्ट के जो हो रहे हैं उसमें स्कोर मारना बहुत मुश्किल हो रहा है, फर्स्ट इनिंग्स में भी सेकंड इनिंग्स में भी। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, उसके बाद एंडर रसल ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, लास्ट में स्कोर मारना मुश्किल कर दिया, एकदम नामुमकिन कर दिया, और मुंबई इंडियंस को कम स्कोर पर रोका। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी बहुत अच्छा फाइटबैक किया, 8 मैच उसने हारा हारा जीत लिया, और वो कैसे जीता अभी तक हमें भी नहीं पता चला कैसे जीता। 31 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, कोलकाता के खिलाफ जीता, और उसके बाद बेंगलोर ने हैदराबाद के खिलाफ भी बहुत बढ़िया मैच जीता। उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन था क्योंकि वो थोड़ा पहले हो गया था, बट देखा जाए लास्ट में विकेट जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं, तो विकेट संभालने का ज़्यादा फायदा है कि आप 1 डाउन ही रहो, ज़्यादा विकेट ना लो, क्योंकि 8 बार विकेट गिर जाते हैं तो विकेट गिरने की संख्या शुरू हो जाती है। और डेविड वार्नर ने खास बात बोली कि क्रॉस बैटेड हमें नहीं खेलना चाहिए, सीधा बल्ला यूज करना चाहिए। जब वो टाइम आउट हुआ था बेंगलोर के खिलाफ, उसने बैरिस्टर और उनको बोला था कि सीधा बल्ला करो, पर सीधा बल्ला यूज नहीं किया था उन्होंने, क्रॉस बैटेड बल्ला यूज किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मैच हमें एकदम कड़क में रहेगा, और एक मैच फाइटिंग रहेगा, मेरे हिसाब से रहेगी हैदराबाद विन। आपको क्या लगता है कौन जीती है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।